हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 31 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर्टेनिंग टू एमपीपीएससी प्रिपरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का संबंध इनमें से किस भारतीय राज्य से है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का संबंध है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से। अब उत्तर प्रदेश के बारे में एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम आप जानते होंगे कि ये हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, लेकिन अगर अब गवर्नर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये है राम नायक जी। ओके, राम नायक जी इज द करेंट गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका नाम क्या है। हु रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया के अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है इवान ड्यूक्यू। ओके, इवान ड्यूक्यू इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कोलंबिया। और इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ये कोलंबिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। ओके, ही इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कोलंबिया कोलंबियन हिस्ट्री, और इवान ड्यूक्यू इनका नाम है। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो आप ये देख सकते हैं मिशेल टेमर, ये हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट। व्लादिमीर पुटिन आप जानते होंगे, ये रशिया के हैं। और अगर बात की जाए अब्दुल्ला यमीन जी की तो ये हैं मालदीव के प्रेसिडेंट। तो ये सारे प्रेसिडेंट्स के नाम आपको याद होना चाहिए कि किस देश का कौन सा प्रेसिडेंट है, क्योंकि एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्ट्रेट है जो मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। स्ट्रेट विच सेपरेट मोरक्को एंड स्पेन। अब मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूं, देन मैप में लिए चलता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो मोरक्को और स्पेन को जो अलग करता है वो स्ट्रेट कहलाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये है हमारा ऑप्शन बी। अब मैं आपको मैप दिखाता हूं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मोरक्को और स्पेन को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कैसे अलग करता है। तो ये है हमारा प्यारा सा ग्लोब। अगर मैं इसको मोरक्को और स्पेन के पास ले जाऊं तो अगर आप ये देखेंगे, ये है स्पेन और ये है मोरक्को, और ये जो बीच में आप जो स्ट्रेट देख रहे हैं ये कहलाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, तो आप ये देख सकते हैं जिब्राल्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या कनेक्ट करता है, स्पेन को मोरक्को से। अब मोरक्को की बात आई है तो मोरक्को के साथ एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में फैक्ट एसोसिएट होता है कि मोरक्को का ट्रैवलर इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये इब्न बतूता की एक फेमस बुक है जो उन्होंने लिखी है, तो उसका नाम क्या है। यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शंस की तो ये आप देख सकते हैं पाक स्ट्रेट। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी बार एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो ये इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है। ओके, इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है पाक स्ट्रेट। वहीं अगर बेरिंग स्ट्रेट की बात की जाए तो बेरिंग स्ट्रेट जो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करता है एशिया को नॉर्थ अमेरिका से। ओके, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को कनेक्शन का काम करता है बेरिंग स्ट्रेट। और इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए मोरक्को और स्पेन को कौन सा कनेक्ट करता है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मोरक्को एज वेल एज स्पेन। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश फिशरी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे सिचुएटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमपी के क्वेश्चंस भी पैरेलल में देखते चलना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज छतरपुर। छतरपुर में मध्य प्रदेश फिशरी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ओके, अगर बात की जाए आपको मैप में प्लॉट करके देखते आना चाहिए कि छतरपुर कहां पे सिचुएटेड है, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा एमपी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप ये यहां पे देख सकते हैं ये छतरपुर। ओके, तो छतरपुर में क्या है, छतरपुर में है फिशरी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो ये जबलपुर में एक और फैक्ट एसोसिएट होता है जो आपको मालूम होना चाहिए, वो है कि रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो जबलपुर में है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल में नए हैं और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट ट्राई नहीं की तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी रिसेंटली एक रिसेंटली प्लेलिस्ट शुरू हुई है जिसका नाम है मध्य प्रदेश जीके सीरीज, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें हम लोग पूरा एमपी कवर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम एमपीपीएससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ व्यावसायिक परीक्षा मंडल मीन्स व्यावसायिक परीक्षा मंडल का हेडक्वार्टर कहां पे है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल को व्यापम नाम से जाना जाता है। आई होप आप में से काफी लोगों ने इसका एग्जाम दिया होगा और ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल इसका फुल फॉर्म होता है व्यापम का, और इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। ओके, भोपाल इज द हेडक्वार्टर ऑफ व्यापम। अगला क्वेश्चन है कि एमपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड कब स्टैब्लिश हुई। ओके, एमपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 को। 1977 को भोपाल में एमपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई।
सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक्ड इट। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चाहे आप नए हो या पुराने हो, प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दैट विल हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। आपका सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए। यदि आप अभी तक चैनल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। और टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/aditya-dubey-mpbse। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mpbse। आई होप यू आर डूइंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।